बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, नहा रहा हूँ। अरे नालायक, 1.5 घंटा हो गया तुझे नहाते नहाते, लेकिन अभी तक वहीं बैठा है। लगता है 100 जन्मों तक का आज ही नहाएगा क्या? नहीं माँ, मैं अभी तक तो कपड़े धो रहा था, लेकिन अब नहाऊंगा। अरे नालायक, अब तो तेरी शादी हो गई, जा और जाकर अपनी बीवी से बोल, वो धोएगी तेरे कपड़े, तू क्यों धो रहा है? नहीं माँ, आप मुझे चाहे जितनी गालियाँ दे लो, लेकिन मैं उसको कपड़े धोने की नहीं कहूँगा। अरे कमीने, तू इतना डरपोक पति है क्या, जो अपनी बीवी से अपने कपड़े भी नहीं धुलवा सकता? अरे माँ, मैंने परसों उसको कपड़े धोने को बोला था, लेकिन उसने लकड़ी का डंडा उठाया और अंदर ले जाकर मुझे ही धो डाला। मेरी सारी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं अभी तक। तो तू अपनी बीवी से डरता है और जो वो बोलती है तू वही करता है? हाँ माँ, चाहे दिन हो या रात, लेकिन माननी पड़ती है उसकी हर बात। अगर करूँगा मैं नखरे तो मार मार के तोड़ देगी वो मेरे चमड़े। देख बुढ़िया, तू मेरे गाय जैसे आदमी को क्या पाठ पढ़ा रही है? और तू इसको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है? ये केवल तेरा पति ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, और तू इसे आंखें मत दिखाया कर। देख तो, बेचारा ये तुझसे डरता है। ये नहीं मानेंगे मेरी बात तो मारूंगी मैं इनको मुक्के और लात, और मैं जब तक जीऊंगी तब तक इनको ऐसे ही सताऊंगी, और अगर लगाएंगे नखरे तो चिमटा गरम करके इनका पिछवाड़ा जलाऊंगी। माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन में जाना फिर बाहर आना, आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या, RCB VS RR का IPL था, जिसमें RCB को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो 1 पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना? अरे कलमुही, मुझे नहीं पता, मैंने अपनी सहेली के साथ 5,000 की बेट लगाई थी कि अगर RRB विनर हुई तो वो मुझे 5,000 देगी, लेकिन RR विनर हो गई है, मुझे ही उसको 5,000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ, और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है, काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है, वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे 1 दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी, आप कान खोल के सुन लो, हम दोनों ससुर बहू मिलकर